नमस्कार, सब मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पे हैं। धन्यवाद आप लोगों ने आज इस इवेंट में हिस्सा लिया। मैं दोस्तों इन्वायरमेंट के जो भी इवेंट होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देने वाले होते हैं। आप जितना जितनी चीज़ें जितना इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहे हैं उनके बारे में जब बात करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, जितने भी सर्वे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, एकदम से इंसान घबरा जाता है और तो बहुत ही मायूसी सी हो जाती है और समझ नहीं आता कि क्या करें। हम आज सबसे पहले तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस इवेंट को वैसा नहीं बनाएंगे। वी विल कीप इट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कांट डू, वी कांट डू। ये एक बहुत ही जाना माना तथ्य है कि पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें जो धरती है वो एक छोटा सा बिंदु है, उसका कोई मतलब इट्स अ स्पेक। उसमें हम लोग क्या है, बिंदु हैं कि क्या है, वी डोंट नो। हम लोग उसमें वी डोंट मतलब सैटेलाइट इमेज से तो हम दिखते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इतनी लार्जर देन लाइफ लगती है, तो अक्सर आपको निराश कर देती है, निरुत्साहित कर देती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अमेजोन में करोड़ों ट्रीज जल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सूखे से तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या प्लास्टिक सी में बढ़ता जा रहा है। हर दिन सुन के मैं तो बहुत डर जाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो इतना ज़्यादा पैनिक होना, और इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, करियर को लेके, काम को लेके, फैमिली को, और थोड़ा सा अगर इश्क का कोई मामला हो तो उसको, अब उसमें एनवायरनमेंट भी इतना बड़ा इशू हो तो कैसे कैसे चीज़ों से डील किया जाए, इज़ अ वेरी बिग यू नो। सो आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू थैंक जो मेरे गुरु हैं, जो ईशा फाउंडेशन में जो मेरे दोस्त हैं, वॉलंटियर्स हैं, जितने भी उन्होंने आज तक दुविधाओं की कम और समाधान की ज़्यादा बातें की है। तो हम समाधान पे ही फोकस करेंगे आज, हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। सो लार्जली आई वुड से कि ये जो कमिंग टू दिस फॉर्मेट, दोस्तों ये जो फॉर्मेट है, पेड़ लगाना और एक टेरेन को रिवाइटलाइज करना या चेंज द फेस ऑफ अ लैंडस्केप, ये कई जगहों पे यूटिलाइज किया गया होगा। आपने देखा होगा पीछे जैसे एक ब्राज़ीलियन कपल हैं जिन्होंने 15 साल में एक रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बना दिया, सिर्फ दो लोगों ने मिलकर। बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो रहा था। फिर एक शख्स हैं आसाम से जिन्होंने अकेले 40 सालों तक हर दिन एक ट्री लगाया और बहुत बड़ा एक 40 सालों में जंगल जो है वहाँ पे ग्रो किया। जो ईशा योगा सेंटर है उन्होंने ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्थापित किए, लगभग 3.5-4 करोड़ के बीच में जो हैं पेड़ लगाए, और जो वहाँ का जो वालनगिरी माउंटेन्स का जो वाटर साइकिल है, रेन साइकिल है, रिवरलेट्स फ्लो है, वाटर बॉडीज़ हैं पूरा, उन्होंने जिस तरह से उसको रिवाइटलाइज किया। तो ये जो एक फॉर्मेट है, ट्रीज़ लगाना और रेन साइकिल को, ग्राउंड वाटर को उसमें कैप्चर करना, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है उस पैमाने पर। अब ये जो है ये डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है, आप कह लीजिए, या एक टारगेट बनाया हुआ है, एक एम्बिशन बनाया हुआ है, 242 करोड़ पेड़ लगाने का, और पूरी की पूरी कावेरी को जो कि 40% से ज़्यादा सूख चुकी है उसको रिवाइटलाइज करने का बहुत, ये एक मिशन है जो 12 साल का इन्होंने टाइम दिया है खुद को। तो दोस्तों इसका क्या महत्व है, मैं बस आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 4-5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो है, ये अभी लगता होगा कि हम लोग महाराष्ट्र में हैं, यहाँ इतना ड्राउट पड़ता है, कावेरी तो एक साउथ की नदी है, हम लोग कितना वरी करेंगे, किन चीज़ों के बारे में वरी करेंगे। जाहिर सी बात है इंसान खुद अपने आप में लगभग 60-70-80 साल तक जीता है, हम लोग कितना इन्वायरमेंट को, और हमने तो सब डिज़ास्टर नहीं किए हुए, हमसे भी पहले कितने लोग थे जिन्होंने भी, दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये फॉर्मेट 10-12 सालों में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, लार्ज स्केल फॉर्मेट, तो दोस्तों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फॉर्मेट छोड़ के जा रहे हैं। हम अगर इसको अपने रहते हुए अगर हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं,
तो ये एक फॉर्मेट बन जाएगा, फिर चाहे गंगा हो या ब्यास हो या केरला की बाढ़ हो या चेन्नई का या महाराष्ट्र का सूखा हो, ये फॉर्मेट अगर साइंटिफिकली प्रूव होके हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, कल को हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी राज्य प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता ये है कि हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए। और जहाँ जहाँ हम लोग हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, ब्रिजेस बनाना या हॉस्पिटल बनाना, लेकिन उनकी क्या महत्वता है जब हमारा जीवन ही इस प्लैनेट पे नहीं होगा। तो इसको भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पहलू बना के इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हम सब एक मिलकर हो जाएं, और मे बी एक सिंगल ह्यूमन इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इन स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन आपने ये देखा हुआ है कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज़ very very significant and very very gigantic consciousness which can actually conquer anything. चाहे आप, मैंने आपको बताया कितने सारे example, दो लोगों ने मिलकर पूरा जो है एक desert को jungle बना दिया, तो हम सब मिलकर क्यों कावेरी को revitalize नहीं कर सकते। और ये इतना खूबसूरत, ये जो एक plan है, scientifically approved plan है, उसको हम प्रयोग में लाकर क्यों एक reality नहीं बना सकते हैं। मुझे लगता है हम definitely बना सकते हैं। आप अगर हर साल भी एक इंसान 12 सालों तक एक एक ट्री भी डोनेट करता है, आज मैंने 1,00,000 ट्रीज डोनेट किए हैं, मैंने 42 लाख रुपीज़ डोनेट किए हैं, मेरा बस चलता तो मैं सारे के सारे दो सौ बयालीस करोड़ ट्रीज मैं खुद डोनेट कर देती, लेकिन शायद किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए करोड़ों ट्रीज डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन करोड़ों इंडिविजुअल्स अगर एक एक ट्री डोनेट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी मच अचीवेबल दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इच्छा भी है, तमन्ना भी है, जो इन चीज़ों में भाग लेना चाहते हैं और मेरी तरह इन चीज़ों के बारे में बहुत चिंतित भी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। लोग चिंताएँ ज़्यादा बताते हैं और समाधान कम बताते हैं। तो जैसे मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, हमें खुद उसको कोई ना कोई पर्पस देना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे ऐसे कुछ पर्पसेस अपने बना लें, तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी बहुत और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। एक एक ट्रीज़ डोनेट कीजिए, अपने दोस्तों को ट्रीज़ गिफ्ट कीजिए, उनके बर्थडे पे, वैलेंटाइंस पे ट्रीज़, दिवाली पे ट्रीज़। और देखिए हमारी ये जो दुनिया है, हमारी ज़िंदगी है, वो कैसे किस तरह से बदलती है, और किस तरह से हमारा जो संबंध है जो धरती के साथ में, वो किस तरह से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और क्योंकि हर दिन सुनने में आता है कि कहाँ बाढ़ हो रही है, कहाँ कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो हम कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि इंसान हमेशा, चाहे वो धरती से भोजन लेना हो, चाहे कंक्रीट लेके घर बनाना हो, पेड़ काट कर हाथ सेकना हो, हमेशा धरती से चोड़ते ही रहते हैं, कभी उसे वापस नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसा कर लें कि जितना हो सके हम वी ट्राई एंड गिव बैक। दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ डोनेट एट लीस्ट 1 tree टू द लिंक इज़ हियर। हाँ, kaverikalling.org यहाँ पे कर सकते हैं, 8009 8009, यहाँ पे आप एक ट्री डोनेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और कर सकते हैं। मुझे पता है हम लोग एक्चुअली में, हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है उनमें से कुछ तो कुछ भी नहीं करने वाले, चाहे उनको फ्लड बहा के भी ले जाए, वो लोग तैरेंगे भी नहीं, तो उनके लिए भी हमें ही करना है। तो ऐसा अगर आपका कोई दोस्त हो लेजी, उसके लिए भी एक डोनेट कर दो। तो प्लीज़ ऐसा हम लोग मिलजुल के वी विल मेक इट हैपन। थैंक यू वेरी मच। I will ask Swami to say a few words. This Kaveri Calling initiative is basically Kaveri Nadi ke aas paas pichle, jaisa ki yahan pe likha hua hai, pichle kuch saalon mein, pichle 50 saalon mein 87% tree cover kam hua hai, aur uske karan
जो पानी का स्तर है पानी में कावेरी नदी में उसमें करीब 40% की गिरावट आई है। और काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो साफ साफ बताती हैं कि अगर हम मान लीजिए एक पेड़ लगाते हैं, बड़ा होके वो 12 साल का हो गया, तो एक पेड़ करीब 3500 लीटर पानी को ज़मीन में थाम के रख सकता है। भारत में एक साल के दौरान 365 दिन में करीब केवल 50 या 60 दिन बारिश होती है जो मानसून में पानी बरसता है। तो अभी जैसे कंगना जी भी कह रही थी, जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो फिर सूखा पड़ने लगता है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जो पानी मानसून के दौरान गिरा हम उसको अपनी ज़मीन पर थाम के नहीं रख पाए। तो साधारण सा उपाय है, हमें ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, लेकिन भारत में जनसंख्या इतनी है कि हम जंगलों को और नहीं बढ़ा सकते। तो केवल एक ही उपाय है, वो ये है कि हम ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर करें। तो जो किसान हैं वो अगर पेड़ों पर आधारित खेती करते हैं, तो जैसे कंगन जी बता रही थी, ईशा फाउंडेशन ने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में काफ़ी काम किया है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं और हमने करीब 70,000 फार्मर्स को ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया है। और हमने पाया है कि उनकी जो आमदनी है वो 300% to 800% हो गई है 5 से 7 साल के अंदर। तो ये जो मॉड्यूल है इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक इकोनॉमिक मॉड्यूल है किसानों के लिए, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और निश्चित रूप से इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि जो कावेरी घाटी है उसमें हम 242 करोड़ पेड़ लगाएं अगले 12 सालों में, और इसके लिए हम सैपलिंग्स हमको तैयार करनी होंगी। हम पिछले 2 महीनों से गांव-गांव में जाके किसानों से इस बारे में बात कर रहे हैं। हम करीब 2.5 लाख फार्मर्स से बात कर चुके हैं, करीब 1.25 लाख फार्मर्स ऑलरेडी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों सरकारें इस बात के लिए राजी हैं कि जो भी फार्मर्स ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर में जाना चाहेंगे गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी और उनको सपोर्ट करेगी। अब हमें बस एक सैपलिंग तैयार करके फार्मर्स को देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उस सैपलिंग को तैयार करने की जो कॉस्ट है वो है 42 रुपीस। तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भारत के निर्माण के इस मुहिम में अपना योगदान दें। और पिछले 2 महीने से हमने ये मुहिम शुरू की और करीब 1.25 लाख लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से आज सुबह तक हमारे पास डोनेशन आ चुके थे करीब 40,03,000 सैपलिंग्स के लिए, और अब कंगना जी के डोनेशन के साथ प्लस 1 लाख। सो थैंक्स अ लॉट कंगना जी फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। कंगना, आपकी बातों से लग रहा है काफ़ी दार्शनिकता दिख रही थी, तो ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो बातें हैं, वो क्या कहाँ से आ रही हैं? और दूसरा, क्योंकि आप एक से बढ़कर एक फिल्म में कर रही हैं, उसके अलावा ये जो सोशल काउज है उससे जुड़ी हुई हैं, पैसे आप ऐसी चीज़ों में लगा रही हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक लिंक आपको आ जाता है कि कहीं फ्लड से इतने लोग मर गए, या कहीं अमेजोन फॉरेस्ट में फायर है, आर ए मिल कॉलोनी के ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। तो आई थिंक जो इन्वायरमेंट की जो दशा है और जिस तरह से हमारे आसपास का जो पर्यावरण है जिस तरह से चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है किसी को भी इस चीज़ को लेकर चिंता होगी कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी स्पीशीज़ का फ्यूचर क्या है, हमारी अर्थ का फ्यूचर क्या है। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे काफ़ी चिंताएँ तो होती थी पहले भी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग चिंताओं की ज़्यादा बात करते हैं, समाधान की करते नहीं हैं। तो पैनिक तो बहुत क्रिएट होता है कि क्या किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन इज सच अ इनसिग्निफिकेंट डॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन एनवायरनमेंट के सामने हम इतना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, उन्होंने कैसे हमें इंस्पायर किया है। और जो ये मॉड्यूल तैयार किया गया है, अगर हम लोग कावेरी को रिवाइटलाइज कर देते हैं, इट विल बी रेवोल्यूशनरी स्टेप कि करोड़ों लोग आपस में मिलकर, और आई थिंक एज अ नेशन ऑल्सो वी विल ऑल्सो लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड वी विल ऑल्सो लर्न टू गिव नॉट ओनली टेक। आई थिंक मुझे चाहे मैं इस शहर में शायद कुछ हज़ार रुपये लेके आई थी, इस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया अपने देश के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल जेस्चर दैट आई कैन डू, बट आई इंटेंड टू डोनेट एवरी ईयर। जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर हम में से एक भी एक एक ट्री भी डोनेट करता है, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपसे सवाल था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, पेड़ लगाने की बात हो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब चिंता तो है लेकिन समाधान भी होना चाहिए। आर ए कॉलोनी की आपने बात की, वहाँ बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं मेट्रो की वजह से,
तो उसको आप किस तरह देखती हैं, क्या इस पर भी एक समाधान होना चाहिए? होना चाहिए, आई थिंक ऐसे ही उठ के एक दिन पेड़ काट देना इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी अलाउड. मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि जिस तरह से हम ह्यूमन लाइफ्स के अराउंड काम करते हैं, अगर आपको कोई बिल्डिंग डिमोलिश करनी हो, रेनोवेट करनी हो, तो आप थोड़ा ना वहाँ पे खड़े लोगों पे बुलडोज़र चला देंगे. आप कुछ ना कुछ तो उनका इंतज़ाम करेंगे, उनको कहीं शिफ्ट करेंगे, उनको देखेंगे वो शिफ्ट हो गए, उनके सामान चले गए, तब तो जाके आप चलाएँगे वहाँ पर बुलडोज़र. लेकिन पेड़ों के साथ में या एनिमल्स के साथ में क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं, ये अरेंजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मेरा ये मानना है कि जो भी ट्रीज़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं, एक 3-4 साल की योजना बनाकर पहले कुछ ट्रीज़ जो हैं, बिकॉज मुझे लगता है आर्य जो मिल कॉलोनी है काफ़ी स्कैंटी है, ऐसे भी वहाँ पे ट्रीज़ एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है सैपलिंग्स जो है उसमें इंसर्ट करके लगाए जा सकते हैं, और उनका कुछ ना कुछ एक ग्रोथ रेट देख के, उनका सर्वाइवल रेट देख के, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेट्रो का इंतज़ार तो कर सकते हैं, लेकिन जो जो ट्रीज़ हैं उनको इस तरह से काट के हम इस शहर को एकदम कंक्रीट जंगल नहीं बना सकते. फिल्म स्टार्स जब भी मतलब इस तरह की बात करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाती है और कही भी जाती है, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि वो भी मुंबई में ही रहते हैं, उसी के पास में फिल्म सिटी है जहाँ पर वो लोग शूट करते हैं आप लोग? आई थिंक सबको ही आगे आना चाहिए, और मैं ये भी अपने मीडिया के दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सेल्फिश जो है वो बर्ताव जो है डिस्प्ले करते हैं वो लोग, और काफ़ी इनडिफरेंस भी दिखाते हैं देश को लेके, देशवासियों को लेके, शहर को लेकर. तो आप लोग भी किसको पेडेस्टल पे बिठाना है और कौन इंसान जो है, पावर शुड बी गिवन टू दोज हु डोंट मिस यूज़ इट. तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है, और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना हमारे शहर को, और इनफैक्ट महाराष्ट्र में ये, अगर मैंने जैसे कहा कि कावेरी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो डेफिनेटली वी शुड ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ हियर एंड डू द सेम विद ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज इन महाराष्ट्र. वहाँ पे फार्मर्स को कन्वर्ट करना चाहिए टू ट्री बेस्ड फार्मिंग, तो हम लोगों को करना चाहिए सब, और काम तो होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है. जैसे कि अगर आप अपनी आमदनी में से 42 रुपए देते हैं तो इस तरह से थोड़ा ना कि आपका कोई काम डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ, मगर ये तो एक एहसास है, अगर आप में है ही नहीं तो फिर वही बात है कि क्या इलाज है आपका. कंगना जी, गुड आफ्टरनून, दिस इज सिमरन सिंह हियर. या सो मेरा आपसे सवाल है कि एक हाल ही में एक और इवेंट हुआ था मिशन पानी, जहाँ पे मतलब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो पानी है, रेन वाटर जो होता है, ऐसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में पानी की कमी है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग डैम्स सही तरीके से बनाएं तो वो कमी नहीं होगी, क्योंकि सारा रेन वाटर इज़ गोइंग टू सी. लेकिन किसी कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो साइन नहीं हुए, वो बने नहीं है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और इस सब के चक्कर में वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आवर, मतलब जो हमारा कर्तव्य है एनवायरमेंट को लेकर, वी आर नॉट डूइंग दैट. देर आर मेनी रीजंस, वन ऑफ देम इज़ पॉलिटिक्स. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मुझे लगता है हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ वही है कि धरती को किस तरह से हम लोग पूरी तरह से उसको निचोड़ लें, और उसमें से चाहे वो अनाज निकालना हो या और तरह के रिसोर्सेज हो, सिर्फ हमको हम सोचते हैं डैम बनाना या ब्रिजेस बनाना ही द सोल्यूशन है. टू बी ऑनेस्ट, अगर हम लोग जो है पानी सी तक पहुँचने नहीं देंगे, इट विल डिस्टर्ब द रेन साइकिल इन सच ए ह्यूज वे कि पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हर जगह, हर गांव, हर प्रांत अगर छोटे छोटे डैम्स बनाने लग जाएगा तो नदियां तो ऐसे ही सूख जाएंगी. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है अर्थ का जो है साइकिल डिस्टर्ब ना करते हुए उसको वो सब वापस करें जो हमने बुरी तरह से ब्रूटली छीन लिया है. और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी इलेक्शंस होते हैं या जो भी, हमारी डिमांड हमेशा ह्यूमन ओरिएंटेड रहती है. हमको लगता है कि ह्यूमंस, चाहे मैं भी एज एन एक्टर जब मैंने शुरू में आई थी तो मुझे लगा कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए क्या करूँगी, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ. ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाइएस्ट थाट है हमारे अभी इसमें, जबकि सच ये है कि हम लोग अभी अरबों खरबों में एक्सप्लोजन हो रहा है, हमको और ज़्यादा कम्फर्ट की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को अभी रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं इस प्लानट पर, तो हम लोगों को प्लैनेट के बारे में भी सोचना है, और हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन रेस को एक्सपेंड करने के बारे में नहीं सोचना है. हम लोग इतने ज़्यादा कंफर्ट में चले गए हैं कि हमारा कंफर्ट हमारे लिए बीमारी हो गया है. सो एवरीथिंग हैज़ टर्न अगेंस्ट अस इन नेचर.
तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर इंसान कंसिडरेट हो जाए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो होना चाहते हैं उन तक, जैसे मैं जब स्कूल में थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ कि अगर मुझे इस तरह का कोई एक प्रोजेक्ट मिलता तो शायद मैं भी हफ्ते में 42 रुपीज़ डोनेट कर देती, वाई नॉट, मुझे आई वुड हैव फेल्ट सो गुड अबाउट इट कि मैंने अगर इस धरती से जो लिया है एटलीस्ट आई गिव बैक ऑल्सो. बाय द वे इट्स अ फन मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर इस धरती पर से अपेरेंटली अगर सब इंसेक्ट्स एंड वर्म्स ये सब डिसअपियर हो जाएं तो द लाइफ हियर विल कम टू एन एंड, यू नो, लाइक एवरीथिंग इज सो सिग्निफिकेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बट ह्यूमंस आंट. अगर ह्यूमंस धरती पर से डिसअपियर हो जाएं तो धरती विल फ्लोरिश एंड एवरी अदर स्पीशीज हियर. सो हम लोग इतना बेकार है, तो कई कई बार मुझे लगता है कि यार हम लोग इतना इनसिग्निफिकेंट क्यों है. एंड नॉट ओनली वी हैव टॉर्चर्ड आवरसेल्व्स हियर एंड वी आर द मोस्ट टॉर्चर्ड बीइंग्स हियर अर्थ पे, मतलब साइकोलॉजिक पेन नो अदर क्रीचर नोज अदर देन ह्यूमंस, मेंटल पेन, इमोशनल, ऑफकोर्स एनिमल्स आर अवेयर ऑफ इमोशनल पेन, बट साइकोलॉजिकल मेंटल टॉर्चर ओनली ह्यूमंस नो. हम खुद को ही नहीं और एनिमल्स को भी देते हैं, पेड़ों को भी देते हैं. सो आई जस्ट फील दैट वी शुड बी, इफ यू बिकम लिटिल कंसिडरेट वी कैन हैव अ ग्रेट टाइम हियर. माई ओनली कंसर्न इज दैट वी एज पीपल वी शुड हैव ग्रेट टाइम हियर. I think depend करता है कि आप किस तरह का profit देख रहे हैं. अगर आप सिर्फ mathematics में ही गुम हैं तो naturally आपका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. आप देखिए जैसे ही पेड़ बढ़ेंगे धरती पे, तो हम लोगों का जितना ग्रीन कवर बढ़ेगा तो इसमें क्या हमारा फ़ायदा नहीं है. सिर्फ सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इंसानों का ही है आई फील. बट डिपेंड करता है आपका, आपकी सोच कितनी ज़्यादा बारीक है. जो बारीक सोच वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता मैं किसी और का फ़ायदा कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं लगता है कि किसी और रेस को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जितना कि ह्यूमंस को होगा. Kangna, a question here. This is Rituraj from CNN News 18. You know, like you mentioned, the Amazon fire, there was a lot of criticism around the Brazil government and other authorities that they took a lot of time to actually help. A lot of people were tweeting about it. Closer home in India, in Mumbai, of course, RA trees are being cut, and we see repercussions like yesterday, the flood-like situation in parts of Mumbai. Schools were shut, events were cancelled. And you know, like the Donald Trump administration, they actually rolled back some treaties they had signed. They actually cancelled. So this constant conflict about need to urbanize and to restore the environment, not just in India, but also in more evolved countries like the US or Europe, how do you explain this, you know, the need to urbanize and of course to make sure that the environment stays in good shape? See, urbanize, we definitely are evolving as a society every day. But you see, we are very considerate of humans, and you, like I gave you an example of a building. If you have to relocate a building, you will not run over humans. You will be very considerate. But we are not considerate of animal life, plant life. Unko to hum log kuch samajhte hi nahi hai. Seedha utha ke tree ko kaat dete hain. Abhi ye jo RA mill ka bhi ho raha hai. The need should not be there. Ab wo log keh rahe hain ki hum log isse bhi zyada tree plant karenge. Magar jo jis time pe ye trees missing honge, to kitna oxygen ka cycle affect hoga usse, number one. Number two, aapne 5 साल तक क्यों नहीं वो ट्रीज़ प्लांट किए, ताकि हम लोग ये तो देखें कि उनका सर्वाइवल रेट क्या था. अगर मैं सिर्फ 4 ट्री प्लांट करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है वो चारों सर्वाइव करें. तो कहने का मतलब ये है कि क्यों, क्योंकि आप उनकी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेते हो. अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बाकी स्पीशीज़ को भी ध्यान में रखें कि नहीं, हम ये धरती ऐसा नहीं है सी लाइफ की नहीं है या इन पेड़ पौधों की नहीं है. हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो रहे हैं और उसका हमें बहुत तरीक़ों से भुगतना भी पड़ रहा है. तो ये है कि जैसे अगर हम लोग इतने इवेंट्स करते हैं, आज हम लोगों ने एक ऐसा इवेंट कर लिया, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं. हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर हमने 42 रुपीज़ एक ट्री के लिए दे दिया, वट इज़ द हार्म, देर इज़ नो हार्म. लेकिन हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, यू नो. सो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. और आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग जो हैं वो लोगों की परसेप्शन बनाते हैं. मीडिया जो है लोगों की परसेप्शन बनाते हैं. जैसे मैंने कहा आपको कि जो हमारे फिल्म के एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं,
उन लोग की जिस तरह की वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं या जो भी करते हैं, हम लोग उनको इतना वायरल करते हैं जब भी वो सेंसेशनलाइज्ड होते हैं, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट करेंगे उसको कभी वायरल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं हम बना सकते? हम बनाएंगे। अगर कोई पेड़ के एक उगाता है या किसी एनिमल को शेल्टर देता है या कोई एक अच्छी ढंग की बात सबकी नज़रों में लाता है, हम लोगों को उसको भी सहयोग देना चाहिए। तो ऐसे ही ये सबकी प्रवृत्ति बदलेगी तब हम लोग वो डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है, एक इंसान इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक साथ में हो जाती है तो हिस्ट्री गवाह है कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं चेंज कर दी गई हैं। इसी तरह कावेरी कैन बी वन बिग एग्जाम्पल, वन बिग फॉर्मेट विच कैन बी अडेप्टेड बाई कमिंग जनरेशन्स। और लोग बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, तो हम 300 करोड़ ट्रीज लगाएंगे विद इन दिस ईयर, एंड वट मॉड्यूल दे अडेप्टेड, ये मॉड्यूल जो है हम उनके लिए छोड़ के जाएंगे कि एवरी ईयर वी डिड दिस एंड दिस इज हाउ वी डिड। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पर ये कुछ प्रयत्न करने होंगे। वी टेक द लास्ट टू क्वेश्चन। जी मैम। हेलो कंगना, साक्षी दिस साइड फॉर मी 24। कंगना फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव सबके सामने लाया है। मेरा सवाल ये है कि जब हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बीफ नहीं खाना चाहिए, लेदर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस लेदर बैग्स, लेदर शूज़ यूज़ करते हैं, लेदर जैकेट्स या फर कोट्स एंड ऑल, तो इससे भी तो एनवायरनमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी ग्लैमर वर्ल्ड से आती हैं। देखिए ग्लैमर वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी बिग थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। अगर आप देखें फैशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, और जिस तरह से कुछ घिनौने फैक्ट्स भी सामने आए थे कि इंटरनेशनल जो 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 कपड़ों के जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो जब उनके सीज़न के कपड़े बिकते नहीं हैं तो वो कई लाखों टन फैब्रिक जो है और कई लाखों टन डिज़ाइन जो है जला देते हैं। तो इस तरह की घिनौनी बातें सामने आती हैं, और बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक एवरी अमेरिकन राइट नाउ कैरिंग एटलीस्ट 20 to 24 ग्राम प्लास्टिक इन देयर ब्लड स्ट्रीम, जिसके करके उनको कितनी गंदी कितनी वाहियात बीमारियाँ हो रही हैं, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो कहने की बात यह है कि एवरी थिंग दैट हैज़ बीन अ बून टू अस, इट हैज़ बिकम अ बिग डिज़ास्टर फॉर अस, क्योंकि वी हैव कम्प्लीटली कन्वर्टेड इट अगेंस्ट अस। तो मैं एक आप लोगों से ही इस बात की एक गुजारिश करूँगी कि जैसे हम लोगों के जो इंडियन फैब्रिक्स हैं, कॉटन हैं एंड स्पेशली हैंडमेड, हमारे ऑब्वियसली पीपल आर रनिंग आउट ऑफ वर्क, और वो जो ऑर्गेनिक कॉटन है उसकी कोई कदर नहीं करता बिकॉज इट इज़ नॉट ग्लैमरस इनफ। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा उत्साहित करें, क्योंकि मीडिया से जो उत्साहितता मिलती है जितना आप लोग, क्योंकि आप लोग ही मेनली जो है एक चाहे वो ट्रेंड सेट करते हो, मुझे किसने फैशनिस्टा बनाया, मुझे आप ही लोगों ने फैशनिस्टा बनाया है, मैं तो खुद को फैशनिस्टा सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला तो आप ही लोग हैं जो मेरी हर चीज़ को, चाहे मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो अगर ये अवेयरनेस आप दिखाएं कि इन्होंने जो है ऑर्गेनिक फैब्रिक पहना था या चमड़े का यूज़ नहीं करते, तो इनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, जो भी आप लोगों का लैंग्वेज रहता है फैशन पुलिस में। सो इससे ऑब्वियसली वो लोग फिर वैसा ही करेंगे आपको दिखाने के लिए, आपको लुभाने के लिए। मैं आपको कह रही हूँ हर एक्टर हर एक्ट्रेस मीडिया को लुभाने के लिए ही तैयार होते हैं। वो कपड़े अब अपने वैसे ही खरीदते हैं, शॉपिंग वैसे ही करते हैं, जिस चीज़ का ट्रेंड बनता है, जिस चीज़ को उत्साहित किया जाता है। तो अगर मीडिया ये अवेयरनेस अपने में लाए कि यू नो दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस शुड बी प्रोपगेटेड, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, और बहुत फ़र्क पड़ भी रहा है। तो आई थिंक प्लीज़ यू गाइज ऑल्सो हैव टू इनकरेज ऑर्गेनिक फैब्रिक्स, एंड ऑब्वियसली जो इंस्टाग्राम का फैशन है कि एक बार कपड़ा पहना दूसरी बार नहीं पहनना, एंड दे डंप दोज क्लोथ्स, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। कंगना जी, आप जी वेल आई मेरा देखिए मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, क्योंकि ये जो देश है ये इतना कमाल का एक देश है जिसमें मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, तो वो लैंडस्केप को मैंने बचपन में जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत चाहा, बहुत सराहा, बहुत खूबसूरत लगा, मुझे लगा इससे सुंदर जगह ही नहीं है कोई। फिर जब मैं महाराष्ट्र में आई तो फिर मैंने बीचेस देखी, मैंने कहा अरे ये क्या है, तो समंदर है और यहाँ पे पहाड़ बहुत छोटे होते हैं,
तो मुझे लगा अच्छा इससे खूबसूरत अब कोई जगह ही नहीं है। देन आई प्लेड लक्ष्मीबाई, जो मुझे जब पूरा महाराष्ट्रन कल्चर का पता चला, तो मैंने पाइथनी सारी, तो मैंने एक बात पक्का कर ली कि इससे महाराष्ट्रन से बेटर कल्चर नहीं है। एंड नाउ दैट आई एम गेटिंग नो अबाउट तमिलनाडु एंड ऑल द योगा, क्योंकि इतना कम इन्वेजन वहाँ पर हुआ है, सो द इंडियननेस ऑफ दैट रीजन इज सो इंटैक्ट। तो आपको वहाँ जाके एक्चुअल में पता चलता है एक्चुअल इंडियननेस क्या है। वहाँ पे मुझे सब अक्का कहते हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, या अभी से ही मुझे तमिलनाडु में नाउ दे स्टार्टेड कॉलिंग मी अम्मा। सो यस आई एम लर्निंग तमिल। टॉक टू मी आफ्टर 2 मंथ्स। सो यस आई थिंक आई वॉन्ट टू हैव फन इन माई लाइफ। तो ऐसे ही मैं पूरा इंडिया में चाहती हूँ इस तरह से, जो मेरा भारत भ्रमण हो इस तरह से ही हो, गॉड विलिंग। हाय कंगना जी, आपके सामने कंगना जी, यू नो आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, एंड यू नो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आप भी देंगे ना एक ट्री? हाँ जी बिल्कुल। एंड यू नो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी एक्टर हैं, एंड आपने लेजी लोगों के बारे में ये बताया, जो लेजी लोग होते हो, हमारी आपकी बातें कभी कभी वो सुनते भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप ऐसी कुछ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाना चाहेंगी, क्योंकि आप एक्टर हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा, शॉर्ट फिल्में या बड़ी फिल्में बनाकर ऐसा कुछ लोगों के बीच में मैसेज देना चाहेंगी आप? मतलब मैं सच में आई हैव ऑल द मैसेज फॉर एवरीवन, बट उन लोगों का क्या इलाज है मुझे नहीं पता, बिकॉज सम आर सो, मतलब उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है, क्या उनके साथ में किया जाए, क्या उनको कहा जाए कि वो जाग जाएँ, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करें, आई डोंट नो। बट आई थिंक धीरे धीरे जब, जिसे कहते हैं कि, मुझे तो लगता है हम ही को उन लोगों के लिए भी करना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी में जितने लोग हैं, वैसे आप एक अपने नाम का ट्री और एक उनके नाम का, मैंने तो 1,00,000 ट्रीज दिए हैं, आपने देखा। मैं तो ऐसों को बहुतों को जानती हूँ, तो उनके हिस्से का भी हम ही करना पड़ेगा। व्हाट टू डू, दिस इज, दैट्स हाउ इट इज़। डेफिनेटली, बट मुझे लगता है अक्सर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आर्टी हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए कुछ। यस यस, तभी तो मैंने कुछ सर्वे थे कि हम लोग ऐसे बर्बाद हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, मैंने कहा वो तो बिल्कुल प्ले मत करना, बिकॉज उससे तो मुझे पैल्पिटेशन होती है, आई डोंट वॉन्ट एवरीबडी टू पैनिक। सो इट इज़ ओके, वट इट इज़, जो है वो है, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते दैट वी एनी वे कैन नॉट डू। जी मैम, मैम सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनकम सोर्स बहुत ही कम है, और वो ये सोचते हैं ये अमीरों के काम है ऐसे अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करना, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये है कि देश में इन्वायरमेंट के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, और जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को लेके, तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि ऐसे मुद्दों को भी आगे लाया जाए? कौन सी जन? सीनियर सिटीजन, जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, तो ऐसे इशूज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जी, जैसे मैंने कहा एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट का एक रिवर डिप्लीशन एक इशू नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग, वी कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू। कुछ लोग बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम में से हर एक भारतीय अगर 2-2 ट्री भी हर साल किसी एक और अपने नाम का, और अपने किसी प्यारे इंसान के नाम का, और एक किसी देशवासी के नाम का, क्योंकि हमारा देश है तो बहुत गरीब, कितने सारे लोग तो अंडर मैलन्यूट्रिशन भी हैं, 42 रुपीज़ शायद उनके देने की बस की बात ना हो, हम इतना उनके लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात, इश्यूज तो बहुत हैं, लेकिन हम आज सॉल्यूशंस की बात करेंगे सिर्फ, हम क्या कर सकते हैं। ये एक मॉड्यूल अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो एटलीस्ट वी नो कि देर इज़ अ वे। अभी क्या है, कहीं कहीं कोई कोई MLA दिखते हैं एक प्लांट लगाते हुए, इट इज़ नॉट बियरिंग एनी रिजल्ट्स, यू नो। सो वेन वी सी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स और हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, देन आर जनरेशन, जैसे मैंने कहा हमारी जनरेशन के, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, हमारी क्या उम्र है, मे बी ऑन एन एवरेज 70-80 ईयर्स, तो लेकिन हम एक मॉड्यूल सेट कर सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट दिस जनरेशन डिड सक्सेसफुली, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एवरीवेयर, नॉट जस्ट कावेरी। सो वो हम लोग इसी पे, अदरवाइज सीनियर सिटीजन आई थिंक इज़ अ वेरी बिग इशू, कि कैसे इनसेंसिटिव लोग हो गए हैं, इन जनरल यूथ बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गया है। That is another issue for another day. I would like to make a film on that. I was in fact making a film on that. Magar fir, you know, it's very difficult to get funding and all for those films.
But anyway, there is, of course, there is a lot to do, and we will be very hopeful that we will do as much we can. Thank Kangna, you so much. Hi. Firstly, congratulations on the initiative. It's brilliant. Thank you. And you really do make us proud. But I have a different question, actually. Chandrayaan 2, you know, ISRO's thing is going to be, you know, landing on the moon very soon. Is there anything that you'd like to say about it? Because that also makes, you know, our country and nation very proud. Yeah, sure. I mean, har level pe hum log tarakki kar rahe hain, and har level pe hum log aage badh rahe hain. It's a great achievement for us because इससे हमारे देश को इज्जत मिलती है. हम लोग किस तरह के लोग हैं ये विश्व के सामने पता चलता है. हम हमारी क्यूरियोसिटी वर्ल्ड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, यू नो, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस. बट फॉर नाउ वी हैव टू फिक्स द थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग इन बिग वे फॉर अस, ड्राउट्स एंड फ्लड्स. थैंक यू गाइज. यू गाइज हैव बीन रियली अमेजिंग टू कम हियर ऑल द वे, एंड वंस इन अ वाइल वी शुड मेक अ क्लब and do this at least once in 4 months. Sometimes senior citizen, maybe sometimes something else, but we should also talk about things that need to be enhanced, because even filmy news gets so boring sometimes, isn't it? Thank you so much. I would request all my media friends to please proceed for high tea.